गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पाठ सी सादगी की मूरत का अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये पाठ का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और एक बार फिर से हम लोग अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके अभ्यास में बहुत सारे कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। इन सभी कठिन शब्दों के अर्थ को आप लोगों को याद करना है। शीतावकाश मतलब जाड़े की छुट्टी, प्रतीक्षा इंतजार, व्यतीत बिताना, जनों व्यक्तियों, अभिवादन प्रणाम का शिष्टाचार, स्मृति याद, अंकित चिन्हित करना, सर्दी जाड़ा, मुखाकृति मुख की आकृति, अनुभूति महसूस करना, गठन बनावट, कृषक किसान, गरिमा प्रतिष्ठा, शिलान्यास नींव रखना, संरक्षण देख रेख, सहधर्मिणी पत्नी, साध्वी पतिव्रता, क्षमामयी क्षमा करने वाली, अपराजयी जिसे पराजित ना किया जा सके, प्राप्ते मिल सकने के योग्य, लंगन साथ में लगा हुआ, अतिथि अतिथि सत्कार, विस्मय आश्चर्य, स्वामिनी मालकिन, अंक गोद, उपवास व्रत, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अतिथि अतिथि सत्कार करने वाला, निरन बिना अन्न, पारण व्रत के बाद पहला भोजन, परख जांचना अज्ञात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर है मौखिक प्रश्न, भाई से कहाँ मिलने की बात थी? भाई से पटना में मिलने की बात थी। जूतों के रंग रूप का पता क्यों नहीं चल रहा था? जूते पर मिट्टी की परत जमा होने के कारण उनके रंग रूप का पता नहीं चल रहा था। राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन कैसा था? राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह था। लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का अवसर कब मिला? लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का या निकट संपर्क में आने का अवसर सन 1935 में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन के शिलान्यास के समय प्रयाग में हुआ। अब हम लोग लघु प्रश्न को देखेंगे। लेखिका शीतावकाश में अपने घर कहाँ जा रही थी? लेखिका शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। लेखिका को किसे देखकर अभिवादन का ध्यान आया? लेखिका को भाई से यह जानने के उपरांत कि स्टेशन पर बैठे उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं, उनके अभिवादन का ध्यान आया। संगम तट पर उनकी पलटन राजेंद्र बाबू की पत्नी को क्यों घेर लेती थी? संगम तट पर कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन पत्नी को घेर लेती थी। प्रयाग से कौन सी चीज एक दर्जन लाने का आदेश लेखिका को मिला था? प्रयाग से सिरकी के बने एक दर्जन सूप लाने का आदेश लेखिका को मिला था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेखिका को स्टेशन पर कुछ घंटे क्यों व्यतीत करने पड़े? पटना में भाई से मिलना था, लेकिन लेखिका को स्टेशन पर कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। यहाँ पर फिर से देखिए, लेखिका को
पटना में भाई से मिलना था, इसलिए लेखिका को स्टेशन पर कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा कैसी थी? राजेंद्र बाबू की वेशभूषा एक सामान्य ग्रामीण जन की वेशभूषा जैसी थी। राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी कैसी थी? राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी और उसके प्रति ममतामयी भी थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का क्या निर्देश था? राजेंद्र बाबू का बालिकाओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी तथा संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहने, अपने सारे कार्य वे स्वयं करें तथा गुरुजनों की सेवा भी करें। लेखिका ने राजेंद्र बाबू को किस प्रकार उपवास का पालन करते हुए देखा? लेखिका ने राजेंद्र बाबू को उपवास के पारण एक सामान्य आसन पर बैठकर कुछ उबले आलू खाकर पारण करते हुए देखा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। घर नंबर, मैं डैश में डैश की छात्रा थी, मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी, उनकी वेशभूषा की डैश तो डैश को और भी डैश देती है, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और तथा सॉरी को और भी उलझा देती थी, गांधी डैश की स्थिति तो और भी डैश थी, गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी, चौथा उनकी डैश में भी किसी प्रकार का डैश नहीं आया, उनकी सहधर्मिणी में से किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी डैश सप्ताह में एक दिन डैश नहीं करते थे। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। पृष्ठ संख्या 26 में देखिए, व्याकरण और भाषा कौशल है। समानार्थी शब्द लिखिए। कपड़ा, वस्त्र। अंक, गोद, बहन, भगनी। गुरु, अध्यापक। भवन, मकान। देश, राष्ट्र। संधि विच्छेद कीजिए। शीतावकाश, शीत जोड़ अवकाश। मुखाकृति, मुख जोड़ आकृति। छात्रावास, छात्र जोड़ आवास। मिष्ठान, मिष्ट जोड़ अन्न। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय। उपसर्ग लगाकर कीजिए। प्रयाग, प्र विशिष्टता, वी अभिवादन, अभि संरक्षण, सन। अनुभव, अनु। निरन, नीर। ये सभी प्रश्न जो है और उनके उत्तर जो है आप लोग अपने हिंदी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर को भी याद कीजिएगा।